মনের মতো ফার্নিচারের সেরা ঠিকানা দা আরবান ফার্নিচার যেখানে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন পঞ্চাশ হাজার টাকা থেকে বেডরুম সেট আর দারুণ সব ডিজাইনের ডাইনিং টেবিল পাবেন মাত্র টাকা হাজার থেকে এছাড়াও থাকছে ও গোদরেজ আর সাথে পাবেন ফ্রি কম্পিউটার টেবিলও রানিগঞ্জের রানীগঞ্জের বিএন আগরওয়াল হসপিটালের মুখোমুখি রয়েছে দা আরবান ফার্নিচারের শোরুম এছাড়াও আমাদের শাখা রয়েছে অন্ডাল দুর্গাপুর পাণ্ডবেশ্বর ও রানিগঞ্জে বিশদে জানতে যোগাযোগ করুন স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে पूजा के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्र संसद चुनाव करवाने की घोषणा की है बुधवार को तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के स्थापना दिवस के मौके पर धर्मतला में मेयो रोड पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने यह घोषणा की इस सभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से पहले तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भी अपनी बात रखी उन्होंने भी अपने भाषण में राज्य के कॉलेजों में छात्र संसद चुनाव कराए जाने की संभावना का संकेत दिया इसके साथ ही अभिषेक बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद से कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्र संसद चुनाव में लगभग 55 प्रतिशत सीटों पर महिला प्रतिनिधियों को लड़ने का मौका देने की अपील की गौरतलब है कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी और उससे संबंधित सभी कॉलेजों में वर्ष 2017 में छात्र संसद चुनाव हुए थे जबकि वर्ष 2019 में प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी और वर्ष 2020 में जाधवपुर यूनिवर्सिटी में छात्र संसद चुनाव हुए थे तब से किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय में कोई छात्र संसद चुनाव नहीं हुआ है विपक्षी राजनीतिक दलों के छात्र संगठन लंबे समय से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्र संसद चुनाव करवाने की मांग कर रहे हैं सभा में शिक्षा मंत्री ब्राते बसु की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे लगता है कि अब कॉलेजों में छात्र संसद के लिए चुनाव होने चाहिए वहीं तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी द्वारा विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के छात्र संसद चुनाव में 55 प्रतिशत सीटों पर छात्राओं को चुनाव लड़ने का अवसर दिए जाने की घोषणा को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के मामले में जिस तरह से राज्य भर में आंदोलन हो रहा है उससे राज्य सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं संभवतः उस घाव को भरने के लिए तृणमूल कांग्रेस ने छात्र संसद चुनाव में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की रणनीति अपनाई है अभिषेक बनर्जी ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने जो भी वादा किया था उसे पूरा किया है तृणमूल कांग्रेस की उन्तीस सांसदों में से बारह महिला सांसद हैं, जबकि पंचायत स्तर पर महिलाओं को लगभग पचास प्रतिशत आरक्षण दिया गया है ब्यूरो रिपोर्ट पब्लिक टाइम्स